नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे स्कूटर में एक प्रॉब्लम आई कि जैसे ही मैंने सडन ब्रेक अप्लाई किया तो कॉम्बी ब्रेक का जो फ्रंट वायर होता है वो टूट गया वहाँ से। तो आज की इस वीडियो में हम इसी वायर को रिप्लेस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये फ्रंट हुड और जो हेडलैम्प कवर है उसको रिमूव कर लेना है। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि कैसे आप इसे रिमूव कर सकते हैं। और आपको अपना जो रियर ब्रेक का नट है उसको पूरे से लूज कर लेना है, तभी हम जो है वायर को रिमूव कर पाएंगे। तो अभी हमें अपने ब्रेक लीवर की एक्सेस मिल चुकी है, तो केबल रिमूव करने से पहले आपको ये पार्किंग लीवर रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके जो केबल है वो रिमूव नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पर हिंडरेंस क्रिएट करेगा, तो इसको आपको रिमूव करना है। तो पार्किंग लीवर रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर एक ई लॉक दिख रहा होगा, तो इसको आपको रिमूव करना होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए आप इस तरीके का जो है स्नैप रिंग प्लायर यूज कर सकते हैं। तो सिंपली इसको आपको इसमें स्टक करना होता है। और इस तरीके से इसको पकड़ के आपको निकाल लेना है। और वो स्नैप रिंग छटक गया है तो फिर से उसको हमको ढूंढना पड़ेगा। ये रहा दोस्तों स्नैप रिंग, हमें मिल गया है काफ़ी ढूंढने के बाद। स्नैप रिंग रिमूव करने के बाद ये पाइवेट पिन आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, और इसको जेंटली आप बाहर निकाल लीजिए। इस तरीके से आपका पार्किंग लीवर बाहर आ जाएगा और इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच रहती है जो कि इसको वापस पोजिशन में लाती है। नाउ इजीली हम अपनी ब्रेक वायर को पुल करके इस तरीके से देन इसको इस पोजीशन पे लाके इस तरीके से डाउनवर्ड की तरफ मूव कराएंगे और ये अपनी पोजीशन से निकल जाएगा। सिमिलरली ये तो रियर ब्रेक का था और ये फ्रंट ब्रेक का है, तो इसको भी पुल करके हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी बाहर आ जाएगा। नाउ इजली हम इस फ्रंट ब्रेक के वायर को ऑल द वे इस तरीके से पुल करके बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो ब्रेक वायर है वो बाहर आ जाएगा। नाउ हम इसमें न्यू वायर इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारी न्यू ब्रेक की वायर है, इसका प्राइस 150 रुपीज़ है। हीरो माइस्ट्रो एच की है कॉम्बी ब्रेक की फ्रंट वायर, तो इसको इंस्टॉल करने वाले हैं हम। आप चाहें तो जेन्यून पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसकी क्वालिटी भी डिसेंट है। सो ब्रेक वायर को वापस से इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले इसके इसके रूट से पास कर लीजिए, जहाँ से आपने निकाला था सेम रूट आपको फॉलो करते हुए इसको इसकी पोजीशन पे लगा देना है। वंस ये अपनी पोजीशन पे लग जाए देन इसको आप लीवर में वापस लगा लीजिए। सो सबसे पहले आपको इस ब्रेक वायर को उसके लीवर में अच्छे ढंग से फंसा लेना है जैसा आपने रिमूव किया था, देन इसको ऑल द वे पुल करके इस तरीके से इसकी पोजीशन पे लाके लगा देना है। तो इस तरीके से ये काफ़ी इजीली लग जाएगा। और जो ब्रेक फ्रंट ब्रेक का वायर होता है वो सेकंड वाला होता है, पीछे वाला होता है, और रियर ब्रेक का पहला वाला होता है। तो इसमें हम जो है रियर ब्रेक इंस्टॉल करेंगे, जो हमने रियर ब्रेक की वायर भी निकाली थी उसको भी हम लगा देते हैं। सिमिलरली जैसे हमने फ्रंट ब्रेक की वायर लगाई, सेम इसको उसकी पोजीशन पे फिक्स करके इसके स्लॉट में बैठा के देन इसको ऑल द वे पुल कर लेंगे, तो इस तरीके से रियर ब्रेक की वायर भी लग जाएगी। ना हमको नीचे से इस वायर को इस होल्डर से पास कराना है, देन यहाँ पर आपको स्प्रिंग जो है लगानी पड़ेगी। तो इसमें पुरानी वाली स्प्रिंग लगानी पड़ती है क्योंकि इसमें नट स्प्रिंग और स्टॉपर कुछ भी नया नहीं आता है, तो हमको ओल्ड ही यूज करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपका ही लग जाएगा। ना आपको इसका नट टाइट करना है, और नट भी इसके साथ हमको नया नहीं मिलता है तो ओल्ड वाला नट ही हमको यूज़ करना पड़ता है। ना इसको आपको इसके बराबर एडजस्ट करना है, अदरवाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करेगा और ब्रेक भी इफेक्टिव नहीं रहेंगे, तो इसको आपको टाइट करना है इसके बराबर। टाइट हो गया दोनों बराबर ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से हमारी ब्रेक वायर जो है चेंज हो गई है। ना एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं ब्रेक लीवर दबा के, तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है।
तो इस तरीके से आप भी अपनी ब्रेक वायर को जो है रिप्लेस कर सकते हैं। थैंक यू।